नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राम वर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ का अपना गणित का अपना चैनल सीजी बोर्ड में, जहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के आसान सवाल मिलते हैं कक्षा 10वीं के। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं अध्याय 12 वृत्तम स्पर्श रेखा का प्रश्नावली 1 का प्रश्न क्रमांक 5। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से इस चैनल को सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है। मैंने आप वृत्त पहले से आपके लिए बना के रखा है। केंद्र ओ है जिसकी दो जीवाएँ कौन कौन सा है देखें, पी क्यू और क्यू आर दो जीवाएँ हैं तथा कोण PQO मतलब ये कोण बराबर है किसके, OQR के, ये वाले कोण के, और दोनों का माप 55-55 है। ठीक है, तो हमको सिद्ध क्या करना है कि PQ और QR बराबर है, मतलब दोनों जीवाएँ समान है, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। हल जब चालू करेंगे तो दिया गया पार्ट क्या है, दिया गया है क्या, दिया गया है कि पी क्यू तथा क्यू आर जीवा है ना, और कोण पी क्यू ओ मतलब ये कोण बराबर है कोण क्यू ओ क्यू आर के, और दोनों है 55°। ठीक है, यही दिया है। अब इसमें हमको कुछ रचना करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो मैंने पहले से मिलाकर रखा है क्योंकि यहाँ सिर्फ कोण के बारे में बातें किया गया था। हम लोग ओपी को मिलाएंगे, ओपी तथा ओआर इसको मिलाना है, ओआर को मिलाए। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन में नहीं था इसलिए ये हमको अपने तरफ से करना पड़ेगा। तो ये करने का मतलब ये है कि समझने का प्रयास कीजिए, पी क्यू और क्यू आर को अगर बराबर दिखाना है तो बराबर कब होगा, अगर ये दो त्रिभुज है पी ओ क्यू और आर ओ क्यू दो त्रिभुज है, अगर दोनों को सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो ये अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग पी ओ और ओ आर को मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए उपपत्ति रचना तो कर ली हम लोग, उपपत्ति हमको सिद्ध करना है कि पी क्यू और क्यू आर बराबर है। तो सबसे पहले पॉइंट आपको क्या दिखता है, ओ पी ओ क्यू और ओ आर बराबर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि वो एक ही वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ लिखिए सबसे पहला पॉइंट, ओ पी ये वाला बराबर ओ क्यू बराबर ओ आर। ठीक है कि ये आपका सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद देखिए त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू तथा त्रिभुज आर ओ क्यू, आर ओ क्यू में। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये तीनों भुजाएं समान है, ये इसके समान है, तीनों समान है। अब इस त्रिभुज में देखिए कि इसके समान है, तो दो भुजाएं जब समान है तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज। अब जब भुजाएं समान है तो उस भुजा के विपरीत में जो भी कोण होगा वो भी समान होगा, इसका मतलब ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक है, ये इसमें भी देखिए दोनों भुजाएं समान है तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। ठीक, तो और सबसे पहले इसमें ये जो भुजा है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है,
तो यहाँ पे लिखिए कोण ओ पी क्यू, ओ पी क्यू मतलब ये पी सेंटर में आना चाहिए, पी कोण बराबर ओ आर क्यू, कोण ओ आर क्यू, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन यही है कि जब ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है तो ये 55 55 है तो ये भी बराबर होगा। तो इसको लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, और एक चीज हमको दिया हुआ था, कौन सा कोण, कोण पी क्यू ओ, ये दिया है ना पी क्यू ओ कोण, ये देखिए यहाँ पर, ये वाला पॉइंट हमें पहले से ही देखे था, कोण पी क्यू ओ बराबर ओ क्यू आर है ना, पी क्यू ओ बराबर कोण ओ क्यू आर, ये हमें पहले से देखे हैं, दिया गया है। ठीक है, और एक चीज और लिखेंगे कि इसमें ये जो भुजा है, या कोई भी एक भुजा ले लो, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा यहाँ पर दोनों का कॉमन है तो कॉमन वाला भी ले सकते हैं, भुजा ओ क्यू बराबर भुजा ओ क्यू उभयनिष्ठ है दोनों के लिए। ठीक है, तो किसी भी दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए कोई भी तीन चीज़ें चाहिए आपको, तो तीन चीज़ें आपको मिल चुका है यहाँ पे। वो तीन चीज़ें ये है कि दो भुजाएं हैं, मतलब दो कोण हैं और एक भुजा है, इसीलिए क्या है कोण, कोण भुजा कसौटी, कोण कोण भुजा कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम त्रिभुज आर ओ क्यू। ठीक है, इसीलिए जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो उसके जो संगत अवयव रहेंगे वो भी समान हो जाएंगे। अब देखिए इसमें दोनों त्रिभुज जब समान हो गए तो उसके संगत अवयव कौन से है, पी क्यू के संगत में क्यू आर है, ठीक है ना, तो इसीलिए वो समान होंगे, इसीलिए पी क्यू बराबर क्यू आर कारण रहेगा सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा है ना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने तो सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 के साथ। धन्यवाद दोस्तों।